असलकम जी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो सीजनल काश्त है यकम से 20 या 25 मई तक जो कपास की काश्त होती है उसके खाद प्लान के ऊपर पाकिस्तान में 60 से 70 फ़ीसद जो कपास की काश्त है वो मई के महीने में होती है और सबसे मुश्किल तरीन जो मैनेजमेंट है वो यही मई की कपास है और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारे किसान भाइयों का होता है वो इसी टाइम के ऊपर लगी हुई कपास का होता है तो इस वीडियो को आपने आगे पीछे नहीं करना बहुत ज़रूरी बातें मैं बताऊंगा सिर्फ खाद प्लान नहीं इसके अलावा भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि शायद आपको इससे पहले पता नहीं होगी सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी ये काश्त है इसमें हमारी कपास की पैदावार कम क्यों आती है उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है दूसरे नंबर पर हम इसमें कम खाद का इस्तेमाल करते क्यों हैं क्या हम ज्यादा खाद इस्तेमाल करके ज्यादा पैदावार ले सकते हैं और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जो हमने खाद डालनी है उसकी तरतीब क्या है कैसे कैसे कितने दिन पर हमने कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है सबसे पहली और बुनियादी बात कि अगर आप कपास के काज हैं तो भाई हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लें एक भी वीडियो में आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसी नहीं आएगी जिसमें आपका फायदा ना हो वीडियो को लाइक करना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना लेने परसेंट भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मर्जी है भाई आपकी सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी सीजनल में माई काश्त है इसकी आखिर पैदावार कम क्यों आती है सब भाई बहुत ज्यादा खाद रेकमेंड करते क्यों नहीं है तो भाई सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जब भी आप कपास लगाते हैं भले वो फरवरी हो मार्च हो अप्रैल हो मई हो तो जो कपास का पीक टाइम है या कपास का सबसे बेहतरीन टाइम है वो कपास के नवे दिन के बाद शुरू होता है अब जब कपास नवे दिन तक जाती है तब तक क्या होता है कपास के ऊपर तकरीबन अंदाजन साठ से लेकर अस्सी गुडियाँ होती हैं जिसमें कुछ नीचे टिंडे होते हैं और बाकी ऊपर गुडियाँ होती हैं और उसके बाद आगे तेजी के साथ के पास उन गुडियों को टिंडू के अंदर कन्वर्ट करती है सबसे बेहतरीन टाइम होता है और यही टाइम होता है जब हम सबसे ज्यादा खर्चा कर रहे होते हैं अब जो हमारी सीजनल काश्त है वो यकम से बीस मई के दौरान लगती है तो उसका जो पीक टाइम आता है वो यकम से बीस अगस्त के दौरान आता है अब यकम से 20 अगस्त के दौरान हो क्या रहा होता है जितने भी कपास के ऊपर मसले हैं वो सारे इन 20 दिनों से शुरू हो रहे होते हैं या अपने अरूज पे होते हैं सबसे जो पहला फैक्टर है वो बारिश का होता है मानसून अपने पीक के ऊपर होता है या तो बारिश आ नहीं रही होती जिससे शदीर किस्म का हब्बस होता है वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है दूसरे नंबर पर बारिश आ रही होती है तो वो इतनी ज्यादा होती है कि पानी खड़ा हो जाता है दूसरे नंबर पर आ जाता है पेस्ट प्रेशर पेस्ट प्रेशर सबसे ज्यादा खतरनाक इन्हीं 20 से 25 दिनों में होता है या 30 दिनों में होता है अगस्त के शुरू में वो स्टार्ट होता है और अगस्त के एंड तक वो अपने इंतहा पर पहुँच जाता है इसके अलावा इस टाइम के ऊपर गुलाबी संडी भी 15 अगस्त के बाद शुरू हो जाती है तो जितने भी मसले हैं जितने भी मसले हैं वो इन 20 या तीस दिनों के अंदर आते हैं अगर तो देखें ऐसा मौसम आ जाता है कि जिसमें मानसून का मसला ना हो ड्राई मौसम हो हवा तेज़ चल रही हो तो ये सारे मसले ही हल हो जाते हैं और अगर हवा ना चल रही हो तो ये फिर सारे मसले ही बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं तो इसलिए अगर ये तीस दिन फेवरेबल होते हैं तो हम अपनी खुराक को डबल करके जो मैं अभी आगे, आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, उसको डबल करके पैदावार को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं लेकिन अगर ये तीस दिन अल्लाह ना करे ऐसे हो जाते हैं कि या तो शदीद बार या शीद हब्बस या शदीद वाइट फ्लाई का अटैक तो फिर शायद बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे हाथ में नहीं रहती और सारी जो मैनेजमेंट है वो उल्टी हो जाती है ये बात आपको बताना इसलिए जरूरी थी कि शायद आप ये ना समझ लें कि जो आप खाद बता रहे हैं वो बहुत थोड़ी है थोड़ी नहीं है इसमें जो अगस्त का फैक्टर है वो बहुत बड़ा है जब हमारी कार्टन पीक के ऊपर होगी तब हमारी कार्टन को बहुत सारे मसाइल का सामना होगा दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि हमारी कपास की पैदावार कम क्यों आती है भाई कम इसीलिए आती है कि इसका जब पीक टाइम आता है तब बहुत सारे मसले बहुत सारे मसले इकट्ठे आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों से मैनेजमेंट नहीं अगर मैं खुद की भी बात करूं तो सम टाइम यार समझ नहीं आती कि अगस्त में करना क्या है एक तो वाइट फ्लाई नहीं जान छोड़ रही होती थ्रिप्स नहीं जान छोड़ रही होती सबस एला वो आ जाता है बारिश हबस वो आ जाती है पिंक वो आ जाती है तो बस हशर बुरा हो जाता है तो ये हम इस वीडियो का जो हमारा पार्ट टू होगा है ये खाद प्लान के ऊपर वीडियो लेकिन ये बातें आपको बताना बहुत जरूरी इस वीडियो बनाऊंगा पंद्रह अगस्त के बाद के देखेंगे मौसम कैसा है और आगे की मैनेजमेंट कितनी आसान या मुश्किल है अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कितनी खाद कब डालनी चाहिए पहले तीस दिनों में आपने क्या करना है अपनी कपास की छिदराई कर लेनी है जड़ी बूटियों से अपने फील्ड को क्लियर कर लेना है ट्रिपल जीन वैरायटी आपने लगाई हुए थे ग्लाइफोसेट का स्प्रे भी आपने पहले 30 दिन के अंदर कर लेना है फरवरी या मार्च का काश्त में कुछ भाई लेजी हो जाते हैं लेकिन सीजन काश्त में आप ज़्यादा टाइम ना लें क्योंकि आपके पास ज़्यादा दिन नहीं होते गिने चुने दिन होते हैं अगर आप अपनी मैनेजमेंट खराब करेंगे या छिदराई और ग्लाइफोसेट पर ही चालीस दिन लगा देंगे तो ये दस दिन बाद में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं उसके बाद तीस दिन पैंतीस दिन या अगर आपकी ज़मीन बहुत अच्छी है तो फिर चालीस दिन से आपने खाद शुरू कर देने सबसे पहले क्या करना है ऐसे किसान भाई जिन्होंने नीचे खाद नहीं डाली हुई कुछ किसान भाई नीचे डीएपी खाद डाल लेते हैं अगर आपने नीचे एक बैग या आधा बैग डीएपी का डाल दिया तो आपने शुरू से लेके अगस्त के शुरू तक जितनी भी खाद इस्तेमाल करनी है फिर आप यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे हाँ अगर आपका बजट है तो आप इसमें एक बैग नाइट्रोफास्ट का या आधी बोरी यूरिया की ऐड कर सकते हैं और ऐसे जितने भी हमारे भैया जिन्होंने नीचे कोई खाद नहीं डाली हुई अगर आपकी जमीन पक्के वाट है तो आपने जो पहली खाद देनी है वो आपने नाइट्रोफास देनी है खेलियों पर काश्त है आठ आठ दिन के बाद पानी लग रहा होगा तो पहले आपने आधी बोरी ए, एक दफा दे, दे देनी है आठ दिन के बाद आधी बोरी दूसरी दफा दे, दे देनी है पंद्रह दिन आपके निकल जाएंगे एक बोरी आपकी नाइट्रोफास की लग जाएगी और दूसरे नंबर पर ऐसे भाई जिन्होंने की ड्रिल के ऊपर काश की हुई है रेतला रकबा है वो डी का इस्तेमाल करें एक बैग का कर लेंगे तो बहुत अच्छा है चालीस किलो कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा डी लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी पहले सबसे जो अच्छा तरीका है रेतली जमीन में ड्रिल काश पर उस पर आप पहले डीएपी का छटा, कारने। छटा कारने कर लें छठा करने के बाद रेजर मारकर जो डीएपी थोड़ी सी इकट्ठी हो जाएगी तनु के साथ पौधों के नजदीक आ जाएगी उसके ऊपर आप पानी लगा दें ये बेहतरीन तरीका है अब दो ये तो एक चीज़ गई हमारी फास्टफोरस एक बैग नैट्रोफाज या एक बुरी डी और कपास हमारी तकरीबन चली जाएगी पचास दिन के ऊपर उसके बाद हमारे पास होते हैं आगे हमारे पास आगे कितने दिन बच जाएंगे तकरीबन तीस से चालीस दिन या पैंतालीस दिन तो उसमें आपने डेढ़ से दो बैग बारिशों को ख़ास तौर पर मद्द रख कर यह आपने इस्तेमाल करनी है अब डेढ़ से दो बैग यूरिया आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है आपने अगर तो आपकी ज़मीन थोड़ी सी कमज़ोर है तो आपने सत्रह से बीस किलो और अगर ज़मीन बहुत अच्छी है तो तेरह से पंद्रह किलो हर बारे में आठ आठ दिन के बाद आप देते जाएँ ड्रिल के ऊपर अगर आपकी काश्त है तो आधी आधी बोरी यूरिया की हर दफ़ा आप देते जाएँ ठीक है तो इस तरह अगले 40 से 45 दिन यूरिया को दे 80 से 90 दिन पर जब आपकी क्रॉप आ जाएगी तो तब आप अगस्त का वो महीना भी शुरू हो जाएगा जहाँ पे हमें बहुत सारी टेंशन होती है और मौसम को वहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये पहले अस्सी से 90 दिन का प्लान है जिसमें आपके तकरीबन डेढ़ से दो बैग यूरिया एक बैग डीएपी या एक बैग नैट्रोफास वो जो आपका बजट बन जाए वो आपने दे देने हैं अब नवे दिन से जो अगले चालीस दिन है वो होते हैं मेन चालीस दिन जिसमें ये फैसला होना होता है कि हम हमने बहुत अच्छी पैदावार लेनी है या एक बहुत ही बुरा हमारा सीजन आना है उसका जो फैसला करना है वो मौसम ने करना है तो इस वीडियो का जो पार्ट टू है जो को मैंने शुरू में कहा था कि पार्ट टू हम दोबारा इन अगस्त के शुरू में या दस अगस्त के बाद मौसम को देख के मैं दोबारा बनाऊंगा अब आपने अगस्त तक सुकून से इस प्लान के ऊपर चलना है एक बात आप पल्ले बांध लें कि सीजना काश में जड़ी बूटियों को आपने अच्छे से कंट्रोल करना है जड़ी बूटियाँ अगर आपकी फुल कंट्रोल होगी पेस्ट भी कम होगा यही खाद आपकी शायद दस किलो बच जाएगी और यूरिया आपने कभी भी आठ दिन में आठ दिन में पंद्रह किलो से ज्यादा नहीं देनी वरना फिर आपको पेस्ट परेशान करने लग जाएगा ठीक है जी इनशाला मिलेंगे पार्ट टू में वीडियो कैसी लगी वादा पूरा कर दे शेयर जरूर कर दें लाइक जरूर कर दें इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज